बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपके बुक के चैप्टर नंबर 6 का आगाज किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, और साथ के साथ आपकी बुक के अंदर और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी ICS पार्ट 1 की बुक्स के अंदर जो भी डिफरेंसेस होंगे टॉपिक्स के अंदर, उसकी डिटेल्स आपको दी थी। और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बाकायदा आपके इस चैप्टर नंबर 6 का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से अनासर हैं जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और किस तरह आप उन चीजों से, उन अनासर से कंप्यूटर को बचा सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहली चीज है, सबसे पहला कंपोनेंट है, वो है वायरस। दोस्तों, जिस तरह बायोलॉजिकल टर्म्स में आपने वायरस का नाम सुना होगा, जो कि अगर एक ह्यूमन बॉडी में आ जाए तो दूसरी ह्यूमन बॉडीज में भी डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, जैसे कि नाक, हाथों के थ्रू मुंतकिल हो सकता है और उनकी बॉडीज को भी अफेक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में भी वायरसेस यूज किए जाते हैं, और ये कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स और प्रोग्राम्स होते हैं। जिस तरह आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्यों? ताकि कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करे और आपको आपका मतलूबा रिजल्ट फराहम करे। इसी तरह वायरसेस भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम है। दोस्तों, होता क्या है कि ये जो वायरसेस हैं, जब तक कि ये आपके प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये आपके प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ वायरस इज अ प्रोग्राम दैट अटैचेस इटसेल्फ विद अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, यानी ये इस तरह का प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर में मौजूद दूसरी फाइल्स, जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उनके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, ताकि वायरस प्रोग्राम इज आल्सो लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। यानी जब ये आपकी कंप्यूटर फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है, तो जब आप उन फाइल्स को रन करेंगे तो उनको रन करते ही ये वायरस भी आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि वायरस को रन करके होगा क्या? A virus is usually performs destructive operations by deleting and modifying the computer data. यानी जब ये वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो आपके कंप्यूटर की फाइल्स को खराब कर देगा। यानी वायरस का असल मकसद होता है कंप्यूटर और उसमें मौजूद डेटा को डिस्ट्रॉय करना, खराब करना। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो ये आपके हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। और फ्रेंड्स, ये इस तरह का प्रोग्राम होता है, जैसे कि आप इस डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, या डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कंटेनिंग कोड दैट कैन जनरेट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड अटैचेस इटसेल्फ विद अदर प्रोग्राम्स। दोस्तों, याद रखिए, जो भी वायरस आपके कंप्यूटर में आएगा, उसका मेन मकसद तो आपके कंप्यूटर को खराब करना होगा, लेकिन वो ये काम दो तरीकों से करेगा, बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, यानी वो जैसे ही आपके कंप्यूटर में आएगा तो अगर आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये आपकी फाइल के साथ ही अटैच होगा, और अगर आपने वो फाइल ओपन कर ली तो इसका मतलब है कि ये भी उन फाइल्स के साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो वो अपनी हजारों बल्कि लाखों कॉपीज को जनरेट कर लेगा, और जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाएगी, इसीलिए फिर आपका कंप्यूटर भी स्लो हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली असल में इसका मकसद होगा आपके कंप्यूटर को खराब करना, आपको परेशान करना, आपके कामों में रुकावट बनना। और दूसरे कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि खुद को डिफरेंट कंप्यूटर फाइल से अटैच कर लेते हैं, और जब ये आपकी फाइल से अटैच हो जाते हैं तो आप उनको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जाहिर सी बात है, आपकी कोई भी एक फाइल है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई फाइल है, और इस फाइल के साथ अगर वायरस अटैच हो जाता है जो कि इस तरह का प्रोग्राम है, तो आप उसको कैसे समझ सकेंगे कि ये आपकी फाइल के से अटैच हो गया, क्योंकि ये आपकी फाइल के अंदर जाके अटैच होगा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो इसका मकसद ये होता है कि ये छुपकर आपकी फाइल से अटैच होता है, इसीलिए आप इनको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। और जब वो फाइल्स आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये वायरस का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाता है और आपके डेटा को नुकसान पहुंचाता है बाय मॉडिफाइंग द डेटा। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है कि ये आपके डेटा को ही बिल्कुल चेंज कर देता है और खराब कर देता है। फ्रेंड्स, यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये इतना हार्मफुल होता है तो ये आपके कंप्यूटर्स में आ कैसे जाता है, एंटर कैसे होता है।
तो फ्रेंड्स होता ये है कि जब भी आप डाटा को एक्सचेंज करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजते हैं, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू करें या फिर कंप्यूटर टू कंप्यूटर करें, तो उस डाटा के जरिए ये आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है। यानी दूसरा डाटा जो आप अपने कंप्यूटर में डाल रहे होते हैं, उस डाटा के जरिए ये आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि वो कौन से मेजर जराए हैं जिनके जरिए ये दाखिल होता है आपके कंप्यूटर में। उनमें सबसे पहला है ईमेल। Nowadays, most of the viruses spread by attaching themselves with email message. दोस्तों अब अक्सर ये हो रहा है कि आपके पास मुख्तलिफ ईमेल्स आती हैं, और याद रखिए आपके पास ईमेल कोई भी भेज सकता है जिसके पास आपका ईमेल एड्रेस मौजूद है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जरूरी नहीं कि आपके कॉन्टेक्ट में से ही कोई आपको ईमेल भेजे, बल्कि कोई भी आपको ईमेल भेज सकता है। तो कुछ इस तरह की फाइल्स, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी आपको ईमेल भेज सकता है, तो अक्सर आपको ईमेल में कुछ इस तरह की फाइल्स डाल दी जाती हैं जिनमें वायरसेस होते हैं, और ये ईमेल जब आपके पास आती हैं, तो when a user open such an infected files or messages, the virus is also loaded into the computer memory. यानी जब आप इन मैसेजेस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती हैं, और ट्रांसफर हो जाने के बाद ना सिर्फ आपके डेटा को मुतासर करती हैं, बल्कि कुछ वायरसेस तो ऐसे भी होते हैं कि जब आप उनको ओपन करते हैं, यानी उन मैसेजेस को ओपन करते हैं, तो ये आपके कंप्यूटर के जरिए जिन जिन लोगों को आप ईमेल सेंड करेंगे उनके कंप्यूटर में भी ट्रांसफर हो जाती है। इन शॉर्ट आप ये समझें कि वायरस आपके कंप्यूटर में मौजूद है। अब आप जब भी किसी को भी ईमेल करेंगे तो वो वायरस आपकी उस ईमेल से अटैच होकर आपके उन लोगों को भी पहुंच जाएगा जिनको आपने ईमेल सेंड करी होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है कि आप अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो कुछ वायरसेस जो हैं वो आपके कंप्यूटर के जरिए दूसरे के कंप्यूटर में भी जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि ईमेल के थ्रू वायरस आ जाते हैं, और लेकिन आप किस तरह उन वायरसेस से बच सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ थोड़ा बहुत ख्याल रखना है इस बात का कि जो भी आपके पास ईमेल आ रही है उसको आपको डायरेक्टली ओपन नहीं करना, बल्कि आपको पहले देखना है कि क्या ये ईमेल किसी ऑथराइज्ड यूजर से आपके पास आई है। यानी अगर कोई आपके कॉन्टेक्ट में मौजूद है और वो आपको ईमेल कर रहा है तो आप उसको ओपन कर लें, लेकिन अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर या फिर ऐसा बंदा जिसको आप नहीं जानते हैं उसके पास से ईमेल आई है, तो आप उसको डायरेक्टली ओपन ना करें, बल्कि इस तरह आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये ईमेल जो आपने भेजी है ये मेरे लिए ही है, इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है। यानी हमेशा ईमेल्स को खोलने से पहले आप ये श्योर हो जाए कि ये ईमेल जो है ये किसी ऑथराइज्ड यूजर के पास से आई है। तो दोस्तों ये थी ईमेल जिसके जरिए आपके पास वायरस आ सकता है। इसके बाद है नेटवर्क्स। दोस्तों वायरस के फैलने का एक सबसे बड़ा जरिया हमारा इंटरनेट है, जो कि एक ओपन नेटवर्क है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसीलिए अक्सर लोग जिनको दूसरों का नुकसान करके मजा आता है या फिर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इंटरनेट पर कुछ इस तरह की फाइल्स को डाल देते हैं जिनमें वायरस मौजूद होता है, ताकि लोग जब उन फाइल्स को डाउनलोड करें तो ये उनके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाए। अब फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब लोगों को दिख रहा होता है कि फाइल्स में वायरसेस हैं तो उन्हें डाउनलोड क्यों करते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो लोग वायरसेस वाली फाइल्स को इंटरनेट पर डालते हैं तो ये छुपा कर उन्हें डालते हैं। यानी कुछ इस तरह का एक पॉपअप डाल देते हैं, कोई कार्टूनिक तौर पर दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि वो कार्टून है लेकिन असल में कोई गेम है, या फिर लेकिन असल में उसके पीछे जो फाइल होती है वो वायरस की होती है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि आपके पास खुद ही पॉपअप्स आ रहे होते हैं वीडियो डाउनलोडर के, वीडियो कन्वर्टर के, तो ये जो तमाम पॉपअप्स आपके पास आ रहे होते हैं, कभी भी इन पॉपअप्स को आपको डायरेक्टली ओपन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये श्योरिटी कर लेनी चाहिए कि ये पॉपअप्स किसी ऑथराइज्ड वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं। तो दोस्तों अक्सर जो ज्यादातर अब जो नेटवर्क्स के थ्रू ज्यादातर जो वायरसेस आ रहे हैं वो नेटवर्क्स के थ्रू ही आ रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही आ रहे हैं। लोग इंटरनेट पर फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से डाल देते हैं, आप सोचते हैं भाई ये फ्री सॉफ्टवेयर है मुझे इसको डाउनलोड करना चाहिए, और डाउनलोड करने के बजाय वो सॉफ्टवेयर असल में डाउनलोड नहीं होता, बल्कि आपके कंप्यूटर में दरअसल वो वायरस डाउनलोड हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इंटरनेट के जरिए आपके पास वायरस आ सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से तरीकेकार हैं जिनके जरिए आप इन वायरस से बच सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए हमेशा आप जब भी कोई डाउनलोडिंग करें तो हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट्स के जरिए ही डाउनलोडिंग करें। जैसे कि आप गूगल पर सर्च करें व्हाट आर द ऑथेंटिक वेबसाइट फॉर दिस सॉफ्टवेयर,
फॉर डाउनलोडिंग दिस सॉफ्टवेयर। इस तरीके से आपके पास ये तमाम वेबसाइट्स के नेम्स आ जाएंगे और इन्हीं वेबसाइट के जरिए ही आप चीजों को डाउनलोड करें, ना कि कोई भी आपके पास पॉपअप आ रहा हो, कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर आ रहा हो, आप उसको कभी भी डाउनलोड ना करें। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा कोर्स है वायरस के आ जाने का, वो है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। तो दोस्तों, ये जो ईमेल्स या फिर नेटवर्क के थ्रू वायरस आ सकते थे, इनके लिए इंटरनेट का होना जरूरी है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट मौजूद है और आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ये वायरसेस आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, जो कि रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के थ्रू आपके कंप्यूटर में दाखिल होते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, फ्लैश ड्राइव्स वगैरह। जब हम किसी ऐसे कंप्यूटर से जिसमें वायरस मौजूद है डाटा को ट्रांसफर करते हैं सीडीज, फ्लॉपी डिस्क या फिर यूएसबी के थ्रू, यानी वायरस वाले कंप्यूटर से यूएसबी को निकालकर अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, तो वो वायरस उस यूएसबी के जरिए आपके कंप्यूटर में भी दाखिल हो जाता है और आपके कंप्यूटर के डाटा और फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए हमेशा कभी भी किसी भी कंप्यूटर से, चाहे उसमें वायरसेस मौजूद हो या फिर नहीं हो, जब भी फाइल्स को ट्रांसफर करें इन स्टोरेज मीडियाज के थ्रू, तो हमेशा पहले स्कैन करेंगे, देन उसको ओपन करेंगे। इसके लिए कई तरह के स्कैनिंग सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने ये देखा कि रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, नेटवर्क्स या फिर इंटरनेट्स के थ्रू आ सकता है और ईमेल्स के थ्रू भी आ सकता है। इसके अलावा अक्सर शेयर्ड मीडिया, जैसे कि लैन नेटवर्क्स, जिसमें तमाम कंप्यूटर बाय मींस ऑफ वायर्स यानी वायर के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके जरिए भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंप्यूटर में वायरस मौजूद था और इस मोबाइल को इस कंप्यूटर से कोई डाटा चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि वो डाटा चिपक कर उस फाइल के साथ आपके दूसरे कंप्यूटर में या फिर इस कंप्यूटर में इस मोबाइल के अंदर भी जा सकता है। तो हमेशा दोस्तों याद रखिए, जब भी आप किसी ऐसे शेयर्ड मीडिया के थ्रू भी डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमेशा डाटा को स्कैन करें। स्कैन करने से आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर वायरसेस मौजूद हैं। कुछ इस तरह के अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनके जरिए आप उन वायरसेस को मिटा सकते हैं और अपने डाटा को स्कैन कर सकते हैं, तभी आप उसको यूज करें ताकि आपका कंप्यूटर वायरस फ्री हो जाए। और दोस्तों, एक और तरीका भी है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, जिसके जरिए वायरसेस आपके कंप्यूटर में दाखिल हो सकते हैं, वो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जब आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो आपके फ्री सॉफ्टवेयर के एड नजर आ रहे होते हैं। तो होता क्या है कि उन सॉफ्टवेयर में अक्सर कंपनीज वायरसेस डाल देती हैं, और उन वायरस डालने का मकसद यही होता है कि आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना। इसके अलावा अक्सर कंपनीज जानबूझ के अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर वायरस डालती हैं ताकि आपको दोबारा उन कंपनी से कांटेक्ट करना पड़े। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉजेस जिनके जरिए वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वायरस क्या होता है और वो कौन से जराए होते हैं जिनके जरिए वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल हो सकता है। अगले लेक्चर में हम वायरसेस की टाइप देखेंगे कि वायरस किस किस तरह के होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी चीज में भी कोई कंफ्यूजन हो किसी टॉपिक में भी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।